नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल में। तो इससे जुड़िए आप और इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें सिर्फ जानकारी आपकी सेहत से भरी होगी कि कौन सा पौधा आपके सेहत के लिए किस काम आ सकता है। तो आइए आज पहला हम स्टार्ट करते हैं और वो पहली जो बूटी है, जड़ी बूटी, वो ये ध्यान से देखिए। इस तरह के पत्ते हैं और एक्चुअल पत्ते का साइज़ इसका ये होता है। ये देखिए, ये साइज़ पत्ते का होता है, आप देखेंगे। और ये बेल है, बहुत बड़ी बेल होती है इसकी। ये देखिए फैला हुआ है, इसमें कुछ फ्लावरिंग हो रही है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये फ्लावरिंग हो रही है इसकी। फ्रूटिंग तो खैर बहुत ही कम रेयर होती है, इसका बीज बनता है। तो ये फ्लावरिंग हो रही है और ये है दमा बूटी। क्या है दमा बूटी? इंग्लिश में बोले तो अस्थमा बूटी। तो अस्थमा, जिनको अस्थमा का अटैक आता है और अस्थमेटिक लोग हैं, उनके लिए अमृत समान है ये। ये देखिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी पौधे हैं हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन उसका यूज़ नहीं पता है लोगों को। तो ये पता है क्या करना है अस्थमा बूटी का, कैसे सेवन करना है। इसके सेवन के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है, ये दो पत्ता आप लेंगे, इसके अंदर चार काली मिर्च रख के ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको मुंह में रख के धीरे धीरे चूसते रहेंगे, जैसे कि पान चूसते हैं। इसको चबा के चूसते रहेंगे, लास्ट में इसका जो रेजिड्यू है इसको बाहर फेंक देंगे। तो जो इसका रस जाएगा आपका हमारी बॉडी के अंदर, मतलब गले के अंदर से होता हुआ, तो जो आपका अस्थमेटिक एरिया है, जो स्वेलिंग हो गई है, वो सबको ये रिड्यूस कर देगा। और विद इन, मतलब 15 डेज जो है आपको इसका इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा कि 25% इफ़ेक्ट विद इन 15 डेज आपको ये दे सकता है। तो इसके पत्तों का इस्तेमाल करें और दमा से बचें और अपने जो प्रियजनों को हैं उनको भी बचाइए। तो इसके पौधे जो है बड़ी मुश्किल में तैयार होते हैं। हमारे पास कुछ पौधे देखिए, ये अब इनके फुगा है, इसको निकाल के हम नया तैयार करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को शेयर भी करिए, ट्राई करिए। जंगलों में मिल जाता है, इसका पहचान मैंने बताया है आपको कि ये देखिए इसके पत्ते का जो शेप है, अभी मैं ये दिखा ही रहा था, ये देखिए ये पत्ते का शेप है इसका। और इसकी स्मेल जो है एक अलग किस्म की आती है, आप देखेंगे तो मतलब तीखी सी स्मेल होती है। तो इसका इस्तेमाल करें। दूसरा इस्तेमाल क्या है इसका, कि आप चाय में डाल के या दूध में बॉयल करके दे सकते हैं। जो डायरेक्टली बच्चे हैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते, उनको दे सकते हैं। थैंक यू।